एक तो बात खबर सिलसिला एक बार फिर तो जारी है। रेता बजरी दियां वदियां कीमतां ते हुण लगाम लगेगी, क्योंकि लगातार कीमतां जो वध रहियां ने उसनूं लैके मोहाली विच हुण रेता बजरी विक्री केंद्र खोलिया गया। दस दे के माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस वालों विक्री केंद्र का उद्घाटन अज कीता गया अते इस मौके उन्होंने कहा कि 28 रुपए प्रति फुट जड़ी है और रेत खरीदी जा सकती है। नाल ही उन्होंने कहा कि आंदे दिनों में सूबे के हर जिले के इसी तरह विक्री केंद्र खोले जाएंगे। तो माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस वालों विक्री केंद्र का अज उद्घाटन किया गया अते नाल ही उन्होंने कहा कि 28 रुपए प्रति फुट जड़ी है रेत खरीदी जा सकती है और यह जो विक्री केंद्र खोलिया गया आने दिनों में सूबे के होरना जिलों के भी इसी तरह के विक्री केंद्र खोले जाने की गल हरजोत बैंस ने कही। उन्होंने कहा कि 90% गैर कानूनी माइनिंग जी है वह बंद हुई है। सो यह दावा किया हरजोत बैंस ने कि गैर कानूनी माइनिंग 90% तक उसके नकेल कसी गई है। गैर कानूनी माइनिंग करने वालों से जुर्माना लगाने की भी गल हरजोत बैंस ने कही है। 2 लाख प्रति टिप्पर का जुर्माना होगा। सो अज जिस नाल इथे रेता विक्री केंद्र का उद्घाटन किया हरजोत बैंस ने उस मौके ही उन्होंने वालों यह बयान दिता गया। तो सूबे के नजायज माइनिंग लैके भी उन्होंने बड़ा अहम बयान दिता है कि 90% नजायज माइनिंग से नकेल कसी गई है, उत्ते ही जुर्माना लगाने की भी उन्होंने गल कही कि जो गैर कानूनी माइनिंग करने वाले ने उन्होंने जुर्माना लगेगा। नाल ही उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए प्रति टिप्पर का जुर्माना जड़ा है वह होगा। तो 28 रुपए प्रति फुट जड़ी है वो रेता खरीदी जा सकेगी। अज हरजोत बैंस इतने पहुंचे हुए सन। सो मोहाली की तस्वीर रेता बजरी दियां वधियां कीमतां ते हुण लगाम लग पाएगी, यह सवाल बनिया होया। बिल्डिंग मटीरियल स्टोर वाले ने या फिर ट्रांसपोर्टर हो सकते ने, वो बहुत महंगा वो जान के स्केयर सिटी क्रॉस क्रिएट करके बहुत महंगा कितने कितने 60 रुपए कितने कितने 80 रुपए भी रेता बजरी बेच रहे। इस करके असीं उहदा सोल्यूशन ये लभ्या। इह तुहाडे सामने ये पंजाब का पहला सेल सेंटर है। इहदे विच 2 लाख मैट्रिक टन तो उत्ते साडे कोल इत्थे माल पिया। इको सिटी मोहाली न्यू चंडीगढ़ के आस पास बहुत सारिया खरड़ डिवेलपमेंट एक्टिविटीज़ होंदियां, तां इत्थों तुसीं आके सरकारी रेट के उत्ते रेता बजरी खरीद सकते हो। इत्थे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पई है, पूरे पंजाब चो समान इकट्ठा करके इत्थे मंगवाया गया, तो थानू 28 रुपए के उत्ते तुसीं इत्थों जिहड़ा है साडे तों माल लैके जा सकते हो। तो जिवें जे खड चलती है उत्थे 9 रुपए क्रशर तो लैना, 20 रुपए तो अगर तुसीं बिल्कुल अपने शहर च लैना अपने घर के कोल लैना तो सारिया कॉस्टा पा के क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जिस पा के 28 रुपए लै सकते हो। अज पंजाब दे विच 90% इलीगल माइनिंग बंद हो गई है। कोई खड सरेआम नहीं चलती। हाँ कोई रात को 2 टिप्पर चोरी कर ले, कोई ट्राली भर के लै जाए, वो जरूर हो रहा। वो उत्ते की किया 500 तो वध FIR हुई, 500 तो वध FIR असी कीतियां जी। हुण FIR दे विच असीं की देखिया कि अक्सर गरीब बंदा रगड़िया जांदा सी। हुण तुसीं मैनूं कोले थोड़े सवाल होणगे जी कि लीगल माइनिंग दा की कर रहे हो, ये अक्सर की हुंदा सी असीं FIR कर दिंदे सी। असीं देखिया जिहड़ा बेचारा गरीब ट्रक ड्राइवर है गरीब ट्राली वाला है वह रगड़िया गया, उहदे उत्ते भी असीं संशोधन कर दिता। हुण FIR नहीं होणगे, हुण जुर्माना होगा। अगर कोई रात नूं कितों भी इलीगल माइनिंग करके सड़क ते आ गया ते असीं जे चैकिंग च फड़िया गया तां 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया उस टिप्पर ते जुर्माना होगा। जदों तक 2 लाख रुपया नहीं जमा कराउंदा टिप्पर असीं नहीं छड्डांगे, उस मालिक नूं जमा कराना पैना। इस करके मेरी खुली चेतावनी है, किसी की सिफारिश नहीं चलनी। असीं टेंडर भी कढ रहे, ऑटोमैटिक सिस्टम आ जाना, समझ लो कोई MLA दी किसी मंत्री की सिफारिश नहीं चलनी। इस करके इस तो वधिया कि तुसीं सरकारी नूं रेवेन्यू दे के रेता कढो। क्योंकि जे इलीगल माइनिंग फड़िया गया 2 लाख रुपया तुहाडे ते जुर्माना है, ते 2 लाख रुपया जे नहीं जमा कराओगे 14 दिन दे विच उस टिप्पर दी असीं ऑक्शन कर देंगे। मोहाली दे विच अज रेते दी सरकारी वेच केंद्र जिहड़ा हैगा वह खोल दिता गया। सामने हरजोत बैंस माइनिंग मिनिस्टर वह इसकी शुरुआत कर रहे ने। रेत केंद्र जिहड़ा हैगा वह बनाया गया इत्थे सरकारी रेटां दे उत्ते रेत बजरी वेची जाएगी। मंत्री हरजोत बैंस रिबन कट के इसकी शुरुआत कर रहे ने। तो रेट जिहड़े हैगे ने वह 28 रुपए प्रति क्यूबिक फुट जिहड़ा हैगा तय किया गया। न्यू चंडीगढ़ दे विच इको सिटी 2 दे विच ये जिहड़ा हैगा सरकारी रेत वेच केंद्र जिहड़ा हैगा बनाया गया। तो ये तस्वीर जिहड़ी हैगियां ने न्यू चंडीगढ़ दी ने, जिथे पंजाब का पहला रेत केंद्र बनाया गया जिथे सरकारी रेटा के उत्ते रेत बजरी वेची जाएगी। लुधियाना और जलंधर के भी इस तरीके के रेत केंद्र जिहड़े हैगे बना के तैयार कर दिते गए हैं, उन्होंने भी रस्मी शुरुआत की जाएगी। तो नाल
अगर गल करिए रेत आउंदी कित्थों आ, तां इह रेत जिहड़ियां रेत जिहड़ी हैगी आ उह इकट्ठी कीती गई सी सरकारी जिहड़ियां खड्डां दे विच, अज ते बाहर तों खरीदी गई रेत हैगी आ जिस नूं हुण पंजाब सरकार सरकारी रेटां दे उत्ते वेचेगी। कैमरामैन इंदरजीत दे नाल रविंदर मीत, पीटीसी न्यूज़।